गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 में करेक्टर स्केच एक आना ही आना है। मींस करेक्टर स्केच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12। नेक्स्ट वन इज लाइफ स्टाइल इन सिमापुरी। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप दिस टाइम दिस विल कम। सिमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। सिमापुरी मुख्य तौर पे दिल्ली में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दिल्ली के बाहरी एरिया में है और यह दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। हियर मोर देन 10,000 स्पीकर्स लिव्ड। यहाँ पर 10,000 रेकपीकर्स रहते थे। दीज पीपल केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। और यह 10,000 जो रेकपीकर्स थे, यहाँ इन लोग बांग्लादेश से आए थे 1971 में। ऑल पीपल आर रेकपीकर्स हियर हु रिमेन ऑलवेज बिजी इन रेकपीकिंग फॉर दियर सर्वाइवल्स। यहाँ पे जितने भी रेकपीकर्स हैं, सब लोग हमेशा बिजी रहते हैं रेकपीकिंग करने में, क्योंकि इन लोगों का वो सर्वाइवल का माध्यम होता है। दे हैव विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट्स। मीन्स इन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान परमिट नहीं है रहने का। दे हैव ओनली राशन कार्ड्स दैट इनेबल्स देम टू वोट एंड गेट ग्रेन इन फ्री। इन लोगों के पास केवल राशन कार्ड है, जिससे इन लोग वोट देने के लिए इनेबल होते हैं, और उसके कारण इन लोगों को फ्री में दाना मिल जाता है, खाने पीने का कुछ भोजन प्राप्त हो जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी। उन लोग के अनुसार भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उन लोग का पहचान के अपेक्षा, क्योंकि जहाँ पे उन लोग को भोजन प्राप्त होता है, उन लोग वहीं पर चले जाते हैं। उन लोग पहचान से उन लोग को ज़्यादा मतलब होता नहीं है। सपोज कीजिए पहचान है लेकिन भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो व्हाट विल बी यूज ऑफ दैट पहचान। दैट्स वाई दे मूव एनी वेयर वेयर दे गेट अ स्क्वायर मील एंड दे डोंट रन टुवर्ड्स देयर आइडेंटिटी। चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। वहाँ सीमापुरी में वहाँ जितने भी बच्चे होते हैं वहीं पे मतलब बड़ा होते हैं और बड़ों के सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते हैं। नंगे पांव वाले बच्चे ग्रुप्ड होकर ग्रुपिंग में सुबह अपने पीठ पर प्लास्टिक का बैग लेकर निकल जाते हैं रैक पिकिंग करने के लिए। दे डिसअपीयर बाय नून, और वे लोग डिसअपीयर हो जाते हैं नून तक। गार्बेज है डिफरेंट मीनिंग ऑफ चिल्ड्रेन। गार्बेज का मीनिंग बच्चों के लिए डिफरेंट होता है वहाँ। फॉर चिल्ड्रेन इट इज वंडर। बच्चों के लिए वह एक हैप्पीनेस होता है, एक वंडर होता है, बट फॉर देयर पेरेंट्स, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। गार्बेज वहाँ के बच्चों के पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल का साधन होता है। दे फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपीज नोट और अ सिल्वर क्वाइन। वे लोग 1 रुपये भी फाइंड कर लेते हैं, कभी कभार 10 रुपये भी, और 10 रुपये का नोट भी, और यहाँ तक कि सिल्वर क्वाइन भी। बट दे कंटिन्यू देयर सर्च फॉर फाइंडिंग इवन मोर। लेकिन एक बार 1 रुपये, 10 रुपये, सिल्वर क्वाइन मिलने के बाद वे लोग गार्बेज में रैक पिकिंग करना छोड़ते नहीं हैं, बल्कि और एक्साइटेड होकर वे लोग खोजने लगते हैं ताकि ज़्यादा मिले। सीमापुरी में भी ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ये अलग बात है कि सीमापुरी दिल्ली के पेरीफेरी में है, मतलब दिल्ली के आसपास में है। इट इज फिर भी वह दिल्ली से मिलो दूरी पे है। रेकपीकर्स लिव इन अ स्ट्रक्चर ऑफ मड। वहाँ पे जितने भी रेकपीकर्स हैं, सब लोग स्ट्रक्चर ऑफ मड में रहते हैं, मतलब मिट्टी के घर में रहते हैं। दे हैव रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन। उनका मिट्टी के घर पे छत तो है,
टीम टर्पोलिन का, एंड देयर इज नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, उनके एरिया में किसी भी तरह का पानी का मतलब निकासी का रास्ता नहीं है। इट सीम्स दैट द पीपल आर स्पेंड देयर हेलिश लाइफ इन सीमापुरी, ऐसा प्रतीत होता है कि सीमापुरी में जितने लोग हैं वे लोग अपना नरकीय जीवन गुजारते हैं। विच इज द वर्स्ट फॉर आवर कंट्री एज वेल एज स्टेट दिल्ली, जो हमारा देश के लिए साथ ही साथ हमारा देश की राजधानी दिल्ली के लिए बहुत चिंता का विषय है।